पिछले एपिसोड में मैंने आपको अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया था और इनके बीच का अंतर भी बताया था, इनमें क्या अंतर होता है। और इसी तरह से मैंने इससे रिलेटेड एक आभासी कणों का अभिक्रिया भी बताई थी। आज इसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है आपका, वो शुरू होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? जैसा कि कल मैं आपको बता चुका हूँ कि अभिक्रिया की कोटि के बारे में, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी तो अभिक्रिया की कोटि शून्य हो जाएगी। तो उसी के अनुसार हम ये देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में। अभी देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताया गया कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है। आप इसे समझोगे इसके डेफिनेशन को अच्छी तरह से, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक निर्धारण है, हम इसे केवल प्रयोगों के द्वारा ही हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, शून्य है या एक है या दो है या तीन है। हम इसे डायरेक्ट एग्जाम्पल देखकर नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल के अंदर उदाहरण सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन H2 और Cl2 का संयोग H2+Cl2 इन सनलाइट, जब सूर्य के प्रकाश का हाइड्रोजन और Cl2 यानी क्लोरीन का संयोग होता है तो HCl बनता है। तो इसमें ना तो H2 की सांद्रता में परिवर्तन होता है ना ही Cl2 की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से इसकी जो कोटि होगी वो शून्य कोटि होगी। अब इसी तरह से एक और इसका उदाहरण ले सकते हैं हम। इसका दूसरा उदाहरण है इसमें अमोनिया का अपघटन। अमोनिया का फॉर्मूला हम जानते हैं कि NH3 होता है। जब इसका अपघटन करते हैं तो एक तो ये N2 में अपघटित होता है और दूसरा H2 में अपघटित होता है, N2+3H2। यही क्या होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के दो उदाहरण मैं दे चुका आपको, ये दो उदाहरण काफी आपके लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा याद करनी है, उदाहरण याद करने हैं। अब बात करेंगे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक के बारे में, यानी वेग स्थिरांक K के सूत्र के बारे में। अब वेग स्थिरांक K का सूत्र ज्ञात करेंगे, किस तरह से हम इसके सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं, वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया वेग व्यंजक या सूत्र, मान लिया हमने कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया A=P की एक अभिक्रिया है। हमने मान लिया कि यह अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। और हमने ये मान लिया कि प्रारंभ में, यानी जबकि समय t बराबर 0 है, हमने अभिकारक कैपिटल A की स्मॉल a मोल प्रति लीटर सांद्रता ली है, तो उसमें उत्पाद कुछ नहीं बनेगा क्योंकि अभी समय t 0 है, क्योंकि उत्पाद बनने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है। अब इसी तरह से हमने t समय में, यानी कुछ टाइम गुजरा, इस t समय में हमने मान लिया कि अभिकारक कैपिटल A की x मोल प्रति लीटर सांद्रता उत्पाद में कन्वर्ट हो गई, उत्पाद में परिवर्तित हो गई। तो t समय बाद शेष सांद्रता, t समय बाद अभिकारक कैपिटल A की शेष सांद्रता कितनी रह जाएगी?
प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए थी और इसकी कुछ समय में यानी टी समय में स्मॉल प्रति लीटर सांद्रता बाद में बदल गई, तो टी समय बाद कितनी रह जाएगी? स्पष्ट है कि ए माइनस एक्स होगी, ए माइनस एक्स मॉल प्रति लीटर, जबकि ये एक्स ही रहेगा। अब अभिक्रिया कौन सी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभी मैंने आपको बताया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, अर्थात कि जो डी एक्स अपॉन डी टी होगा, जो डी एक्स अपॉन डी टी होगा वो समानुपाती होगा किसके? अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर। अब इसमें अभिकारक कैपिटल ए है, तो अभिकारक कैपिटल ए की सांद्रता बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे इसकी शून्य घात पर, आप समझे होंगे आसानी से। अब जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक लेना होता है, तो यहां पर हम एक नियतांक लेंगे के, जहां के एक नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। के क्या होता है इसमें? वेग स्थिरांक। और तुम्हें वेग स्थिरांक का ही व्यंजक ज्ञात करना है, यानी के का ही सूत्र में निकालना है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी पद की घात शून्य है, जीरो है, तो उस पद का मान एक होता है। तो इसी तरह से यहाँ एक ही सांद्रता की घात क्या है? जीरो है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? एक, यानी वन। और एक की किस में मल्टीप्लाई करेंगे? के में। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के गुना ए। जब एक की के में गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? के। कि डी एक्स अपॉन डी टी बराबर किसके हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा। अब हम इसे आगे थोड़ा सोल्व करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू के डी टी इधर बटे में, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब हमें के का सूत्र निकालना है। के का सूत्र निकालने के लिए हमें डी हटाने होंगे, और डी हटाने के लिए हम इसमें समाकलन करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समाकलन करने का। समाकलन का ये साइन होता है डी एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है बाहर लेंगे इज इक्वल टू डी टी, ये समाकलन का साइन है इस तरह से। अब यहां पर एक ले सकते हैं क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह से यहां भी एक ले सकते हैं, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसे पढ़ेंगे एक का x के सापेक्ष समाकलन, और इसे पढ़ेंगे एक का t के सापेक्ष समाकलन, क्योंकि यहां पर t है, dt था। तो अगर एक का किसी भी पद के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो वही पद आ जाता है। अब देखो जैसे एक का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो पद आ जाएगा x, डी हट गया ऑटोमेटिक। इसी तरह से के एक का t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा t। समाकलन करने के बाद एक स्थिरांक लेते हैं c, जिसे हम क्या कहते हैं? समाकलन स्थिरांक कहते हैं, जहां c समाकल स्थिरांक है। c समाकल स्थिरांक, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण एक। अब हम इसे सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम ये जानते हैं कि जब समय टी बराबर जीरो है तो क्या कोई उत्पाद बना, यानी उत्पाद में कोई सांद्रता परिवर्तित हुई अभिकारक की? नहीं हुई। मतलब एक्स का मान क्या उस टाइम पर? जीरो है। एक्स जो होता है उत्पाद में परिवर्तित हुई सांद्रता होती है, तो इसलिए यहां पर लिखा जाएगा कि जब t बराबर जीरो है तब उत्पाद में परिवर्तित हुई सांद्रता x भी जीरो है। ये दोनों मान समीकरण एक में रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक है x इज इक्वल टू kt प्लस c, x बराबर kt प्लस c। अब हमने इसमें x की वैल्यू क्या रख दी यहां पर? जीरो, क्योंकि x का मान जीरो है। t का मान हमने क्या रख दिया यहां पर? जीरो, क्योंकि t का मान जीरो है।
प्लस सी रह गया, तो इस तरह से सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस सी बराबर किसके हो गया, जीरो के, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा जीरो। अब ये मान हम फिर समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण एक में रखने का, समीकरण एक है हमारे लिए है। तो x बराबर के टी प्लस सी, सी की वैल्यू जीरो रख, तो ये समीकरण बन के आ जाएगी x बराबर के टी। अब आपको वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी k का सूत्र निकालना है, इसके लिए व्यंजक निकालना है, तो ये t का मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो फॉर्मूला जो बन के आएगा ये बनेगा x अपॉन t इज इक्वल टू k के, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं k इज इक्वल टू x अपॉन t के। यही क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ये इसका सूत्र है। अब बात करते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण के बारे में। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होंगे, विशेषताएं क्या होगी या गुण क्या होंगे, चलिए इसके बारे में समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, अभी जैसा कि हम जानते हैं कि हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का सूत्र ज्ञात किया है, और वो के का सूत्र क्या है, के का सूत्र है के इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र है। ये पहला लक्षण भी कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र के बराबर एक्स अपॉन टी होता है, ये एक लक्षण हो गया है। दूसरा इसी तरह सा और भी इसके लक्षण लेंगे, K का मात्रक यानी वेग स्थिरांक K का मात्रक क्या होता है, K का मात्रक। अब K का मात्रक लेने के लिए x क्या होती है, सांद्रता होती है, और सांद्रता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर यानी बटे लीटर, और बटे में ये T है, और T का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो अपॉन में हम क्या लेंगे इसके, ये सेकंड आ जाएगा लीटर के साथ मल्टीप्लाई गुणा, तो हम इसका मात्रक ही बना देंगे मोल प्रति लीटर सेकंड, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो दो लक्षण होंगे इस तरह, एक लक्षण इसके सूत्र का, दूसरा क्या हो गया इसका मात्रक का हो गया, मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर सेकंड के इसका मात्रक। अब इसकी जो तीसरी विशेषता है, जो तीसरा लक्षण है, वो अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय का, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय शून्य कोटि के अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय, इस समय को हम अर्धायु काल भी कह सकते हैं। अभिक्रिया आधी, कोई भी अभिक्रिया आधी तभी पूरी होती है, अर्धपूर्ण तभी होती है जबकि अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात जो उत्पाद है x, जो उत्पाद x बना है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a का आधा हो जाता है। तो अर्धपूर्ण होने में लगा समय हम ये मान लेंगे इसमें t हाफ है, कितना है t हाफ, अभी के लिए आधी पूरी हो रही है, अर्धपूर्ण हो रही है, अर्थात जो उत्पाद बना है x अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जो शुरुआती सांद्रता है ए उसका आधा, तो x इक्वल टू ए बटे दो हो जाएगा।
अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने सूत्र जानते हैं, के बराबर किसके होता है, एक्स अपॉन टी के। तो अब यहां पर के बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू रख दी हमने ए बटे दो, इस सारे के पूर्ण में टी है, लेकिन ये जो समय है कितना लग रहा है, आधा समय लग रहा, हमने मान लिया कि अर्धपूर्ण होने में लगा समय क्या है, टी हाफ है। तो अर्धपूर्ण होने में लगा समय टी की जगह क्या लेंगे यहां पर, टी हाफ। अब ये टी हाफ इधर मल्टीप्लाई माने, तो टी हाफ मल्टीप्लाई बाई के बराबर हो जाएगा ए बटे दो, कि के तो इधर गुणा में तो इधर बटे माने, क्योंकि हमें ये अर्धपूर्ण होने में लगा समय यानी टी हाफ निकालना है कितना होता है। तो टी हाफ इज इक्वल टू ए बटे दो। तो ये कहा जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय ए बटा दो के होता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि टी हाफ समानुपाती होता है ए, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए के समानुपाती होता है। मतलब अगर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए बढ़ेगी तो अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय वो बढ़ जाएगा, और अगर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए घटेगी तो अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगे समय भी घट जाएगा। अब बात करते हैं हम अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय कितना होता है। देखो चलो छोटी सी बात है, शून्य कोटि की अभिक्रिया या कोई भी अभिक्रिया तभी पूर्ण होती है जबकि अभिकारक की टोटल सांद्रता जो शुरू में ली थी प्रारंभिक सांद्रता वो टोटल की टोटल उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगी, उत्पाद में बदल जाएगी, तभी अभिक्रिया क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी। मतलब जो x है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a के बराबर होगा, मतलब जो उत्पाद बना है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a के बराबर हो जाएगा, तभी जाकर क्या होगी, अभिक्रिया पूर्ण होगी। यानी अभिकारक की सारी सांद्रता स्मॉल ए वो किसमें परिवर्तित होगी, उत्पाद में परिवर्तित होगी। तो अब सूत्र क्या होता है, k इक्वल टू x अपॉन t, ये समय निकालना है, तो t इक्वल टू किसके हो जाएगा, x अपॉन k। अब x कितना है, अब x जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की पूर्ण होने में लगा समय टी वो ए बटा के होता है, ये पूर्ण होने में लगा समय है, पूर्ण होने में लगा समय। तो आज शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अगले एपिसोड में आपको मिलेगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी, आपको अच्छी तरह से इसे पढ़ना है ताकि आप इसके टच में रहे और आपके याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया इनसे रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।